हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब अच्छे है? ओके, वेरी गुड। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट, चैप्टर है सेकेंड, मोर अबाउट नंबर्स। ओके, देखो ये बुक्स है हमारे पास। बुक्स में देखो पेज नंबर है 22। आपको पेज नंबर 22 ओपन करना है। उसमें हम सीखने वाले हैं इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स। तो देखो इवन एंड ऑड नंबर्स होते क्या है, तो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। लास्ट वीडियो में आपको ये बात समझ में आ गई है कि इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, जिसमें मैं छोटी एक बात बता देती हूँ। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? जब कभी भी हमें हमारी मम्मी या कोई भी हमें कहीं पे अकेला भेज देते हैं, है ना, तब हमें थोड़ा सा ऑड फील होता है, होता है ना। तो जब हमें कहीं पे अकेला जाने का चांस आता है तब हम ऑड फील करते हैं। तो वैसे ही नंबर में अगर कोई एक नंबर में अगर हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं और दोनों की पेयर लगा के जब कोई एक पिक्चर अकेला रह जाता है ना। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो जब वहाँ पे अकेली रहने की बात है तो हमें ऑड फील होता है, उसी को कहते हैं ऑड नंबर। ओके, तो हो गया लॉजिकली। लेकिन ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? जिसका कोई पेयर नहीं बनता, है ना, जो अकेला रह जाता है, और जिसका एक्चुअल पेयर बनता है उसे कहते हैं इवन नंबर। ओके, तो चलो देखो इवन और ऑड नंबर में हम और एक बात देखने वाले हैं कि ये तो छोटे नंबर का हो गया, मीन्स मैंने 1 to 10 तक आपको इवन और ऑड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना ये बताया था, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 1 और 10 के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम पिक्चर तो ड्रॉ नहीं करेंगे, और पिक्चर ड्रॉ करने पर फिर पेयर बनते बैठेंगे क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर हमारे पास होते हैं। तो फिर ऐसे नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है नंबर्स विथ 0, 2, 4, 6 और 8। देखो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना ही होगा आप हमें, ठीक है। चलो देखो 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वन प्लेस, कहाँ पे होने चाहिए नंबर 0, 2, 4, 6 एंड 8? ये कौन से प्लेस पे होना चाहिए? वन्स प्लेस पे। कौन से प्लेस पे होना चाहिए? वन्स प्लेस पे। जब हमें 0, 2, 4, 6 और 8 ये जो नंबर है अगर वन्स प्लेस पे दिखाई दे तो उस नंबर को कहा जाता है इवन नंबर। उस नंबर को क्या कहा जाता है? इवन नंबर। अगर ये नंबर सिंगल है, अगर ये सिंगल है तो आप जल्दी से पहचान जाओगे कि हाँ ये इवन है। बट यही नंबर अगर टू डिजिट नंबर में आता है, 3 डिजिट नंबर में आता है, 4 डिजिट नंबर में आता है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करना? तो ये जो नंबर से अगर इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर वन्स प्लेस पे आता है तो उसको हम इवन नंबर कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और हम इसको देखेंगे कि वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। चलो देखो मैं 2 डिजिट लेती हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 डिजिट नंबर लिया है। इसको देखते हैं आप कैसे रीड करोगे। 24 रीड कर रहे हैं। ओके, अब हमें ये तो पता ही नहीं कि ऑड है कि इवन है, अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि इवन है या ऑड है? तो चलो हमारे पास तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन दिया है 0, 2, 4, 6 और 8। ए नंबर अगर इन 5 में से कोई भी एक नंबर अगर वन्स प्लेस पे आता है तो इवन नंबर कहलाएगा, है ना। तो चलो देखो यहाँ पे वन्स प्लेस पे कौन है यहाँ पे वन्स प्लेस पे? 4। कौन है? 4। और 4 नंबर जब इवन वन्स प्लेस पे आता है तो उसको इवन नंबर कहा जाता है। उसको कौन सा नंबर कहा जाता है? इवन नंबर। यहाँ पे 4 आया है वन्स प्लेस पे, इसलिए जो पूरा नंबर है इस पूरे नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। कौन सा नंबर हुआ ये? इवन नंबर। तो ये हुआ 2 डिजिट के बारे में, है ना। ऐसे ही हम 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 8, 9, देखो इसको कैसे रीड करोगे आप? 8960। अब तो ये 4 डिजिट नंबर है और हम इतने सारे पिक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, करेंगे क्या? इतने सारे पिक्चर भी ड्रॉ नहीं करेंगे और उस पे पिक्चर की पेयर भी लगाते नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं और हमारे बुक में इतनी सारी जगह भी नहीं, है ना। तो फिर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इवन है कि ऑड है?
कैसे करेंगे? चलो इसका वंस प्लेस देखो। हाँ, ये है इसका वंस प्लेस, और इसके वंस प्लेस पे कौन है? जीरो। कौन है इसके वंस प्लेस पे? जीरो। और जीरो अगर वंस प्लेस पे आता है तो उसको इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इवन नंबर। तो इस छोटे से नंबर से, इस वंस प्लेस से हमें पता चला कि पूरा नंबर कौन सा है? इवन। ये नंबर कौन सा है? इवन। समझ में आई बात? इस नंबर को इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? समझ में आई आपकी बात, है ना? तो चलो देखो, ये हो गया टू डिजिट, ये हो गया फोर डिजिट। फिर से अगर हम यहाँ पे लेते हैं, चलो देखो मैंने नंबर्स लिया है 422। कौन सा नंबर लिया है? 422। अब इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इवन है कि ऑड है, तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले बताओ? यस, करेक्ट। इसका वंस प्लेस देखेंगे। कौन सा प्लेस देखेंगे हम? वंस प्लेस। और इसके वंस प्लेस पे कौन है? टू। कौन है वंस प्लेस पे? टू है। और जब वंस प्लेस पे टू आता है तो उसको कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहा जाता है उसको? इवन नंबर। तो एक बात अच्छे से ध्यान में रख लो कि 0, 2, 4, 6 और 8, ये अगर वंस प्लेस पे आता है तो उस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी मेथड से बताती हूँ कि और इसको कैसे ध्यान में रखें। तो हम टू का टेबल भी ध्यान में रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? देखो जैसे 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 2 2 3 is 6, 2 4 is 8 and 2 5 is 10। अगर 10 आता है तो 10 में भी वन प्लेस पे जीरो ही आता है, आता है ना? तो 2 का टेबल अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये बात ध्यान में रखो कि 2 के टेबल अगर बोला तो उसमें इवन नंबर आ जाता है, आ जाता है ना? 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, है ना? तो इन 5 नंबर को ध्यान में रखो तो हमें पता चलेगा कि 0, 2, 4, 6 and 8, ये नंबर अगर वंस प्लेस पे आते हैं तो पूरे नंबर को कहा जाएगा इवन नंबर। क्या कहा जाएगा उसको? इवन नंबर। आई बात समझ में सबके? ओके, वेरी गुड। अब हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या कहा गया है? 1, 3, 5, 7 and 9। क्या कहा गया है यहाँ पे? नंबर्स विथ 1, 3, 5, 7 and 9 इन द वंस प्लेस। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन आना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। ओके, अगर इन 5 में से कोई भी नंबर वंस प्लेस पे आता है तो उसको ऑड नंबर कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लिया है मैंने। 2 डिजिट में अगर लेते हैं हम 13। चलो इस नंबर का मीन्स नंबर को देखते ही हमारे मुंह से हम कैसे रीडिंग करते हैं इसको? 13। कैसे रीड करते हैं? 13। और 13 अब हमें डिसाइड करना है कि ये इवन है या ऑड है। क्या डिसाइड करना है हमें? कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अब कैसे डिसाइड करोगे? अरे चलो, हमारे पास ट्रिक्स है ना। ये देखो, 1, 3, 5, 7, 9 अगर वंस प्लेस पे है तो उसको ऑड कहा जाता है। तो चलो देखो, यहाँ पे वंस प्लेस कौन सा है? कौन सा है 13 में वंस प्लेस? यस, 3 इज अ वंस प्लेस। देखो 3 ये वंस प्लेस पे है, इसीलिए ये 13 ये पूरे नंबर को क्या कहा जाएगा? ऑड नंबर। ये पूरा नंबर क्या है? ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ पे 3 है। और अगर हम 3 फिंगर्स भी यूज़ करते हैं तो 3 फिंगर्स में इन दोनों की एक पेयर बन जाएगी, और ये बेचारा एक तो अकेला रहेगा ना, इसीलिए ये नंबर क्या हुआ? ऑड हुआ। क्या हुआ ये नंबर? ऑड। अब ऐसे अगर हम 3 डिजिट लेते हैं तो चलो देखो यहाँ पे, यस, कैसे रीड करोगे इसको? चलो रीड करो मेरे साथ, 325। कैसे रीड करते हैं हम इसको? 325। अब 325 पिक्चर कौन ड्रॉ करेगा? इतना टाइम किसके पास है, है ना? तो हम इजी वे से इसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑड है कि इवन है। चलो इसका वंस प्लेस देखो, कौन है वंस प्लेस पे? वंस प्लेस पे है 5। वंस प्लेस पे कौन है? 5 है, है ना? जल्दी से आप अपना फिंगर हैंड देख लो, हाथ में आपके 5 फिंगर्स है ना? दो दो के पेयर लगाओ, इसकी एक पेयर बन गई, इसकी एक पेयर बन गई, ये तो अकेला रह गया ना अकेला। आप देख रहे हो कि आपने, आपको भी हाथ है, आपके हाथ को भी फिंगर्स है। चलो देख लो, इनकी पेयर बनी, इन दोनों की पेयर बनी, और ये बेचारा अकेला रह गया। तो फिर ये 5 तो ऑड नंबर है,
और इसी से हमें पता चलता है कि ये पूरा नंबर कौन सा है, ऑड। कौन सा नंबर है ये? ऑड नंबर है। ऐसे ही हमें 4 digit, 5 digit, 6 digit कितना भी बड़ा नंबर हो उसका सिर्फ हमें क्या देखना है, वंस प्लेस। क्या देखना है? वंस प्लेस। और वंस प्लेस में से, वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से, या फिर 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई भी एक नंबर हो तो उससे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है। ओके, आपकी बेसिक कंसेप्ट तो पहले ही क्लियर हो गई। अब इससे हमें बिगेस्ट नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है इससे हमें पता चलता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, देखो क्या है, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, सम कहा गया है। सम का पता, मीनिंग पता है ना, एडिशन। हाँ, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, किसके एडिशन करना है, टू ऑड नंबर्स की। The sum of any two odd numbers is always even. देखो यहाँ पे क्या कहा गया है आपको, अगर कोई भी दो odd numbers की addition करते हैं, जब the sum of any two odd numbers is always even, हम किसी भी two odd number की अगर addition करते हैं तो उसका answer हमेशा even आता है। क्या आएगा उसका answer? इवन नंबर। क्या आएगा? इवन नंबर। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। देखो एग्जाम्पल में क्या है, क्या कहा गया है, एनी टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बोला गया है, पहले हम छोटे छोटे नंबर्स देख लेते हैं ऑड वाले। चलो देखो 3 + 5 बोत आर ऑड नंबर्स, दोनों ऑड है ना। अब देखो दोनों के एडिशन करो क्या आएगा, 3 + 5 यस 8। 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। और 8 क्या है, इवन नंबर। 8 कौन सा नंबर है हमारा, इवन नंबर है। इसीलिए इसका एडिशन क्या आता है, इवन। क्या आता है, इवन। द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दोनों ऑड नंबर्स की एडिशन हमेशा इवन नंबर आती है। आई बात समझ में, समझा? ओके, तो ये हो गया छोटे नंबर्स का हमने करके देखा है, ठीक है। लेकिन विदाउट एडिशन के बिना भी हमें पता चलता है। अगर हमें ये डेफिनेशन हमारे याद में है कि द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, अगर कोई भी दो ऑड नंबर्स की हमें एडिशन दिखती है तो हम एडिशन देखते ही पहचान जाएंगे कि वो ऑड है कि इवन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 45 + 23। चलो देखो यहाँ पे बोथ नंबर्स आर ऑड। देखो क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है 5 यस, यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है। बोथ नंबर्स आर ऑड क्योंकि 45 भी ऑड है और 23 भी ऑड है। दोनों नंबर्स अगर ऑड है तो उसका आंसर आता है इवन। बोथ नंबर्स आर ऑड देन आंसर इज ऑलवेज इवन। अगर दोनों ऑड नंबर के एडिशन करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इवन। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर्स। क्या लिख सकते हैं इसके एडिशन, इवन नंबर्स। समझ में आई बात सबको? ओके, वेरी गुड। ऐसे हम 3 digit, 4 digit कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें से पहचानेंगे कि वो ऑड है कि इवन है, और विदाउट एडिशन किए बिना ही हम बता सकते कि इसका आंसर जो आने वाला है वो ऑड आएगा या इवन आएगा, ठीक है। चलो देखो फिर से 389 + 281। चलो देखो ये नंबर देखते ही आपको फट से आंसर आना चाहिए कि इसका एडिशन इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा। चलो बताओ क्या आएगा, ऑब्जर्व करो नंबर को। किया? हाँ, बताओ। ए नंबर ऑड है क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 9 आया है। ओके, ए नंबर भी ऑड है क्योंकि इसके भी वंस प्लेस पे 1 आया है ना। 1 और 9 दोनों भी ऑड नंबर है, तो फिर इन दोनों ऑड नंबर की एडिशन क्या आएगी, इवन नंबर। क्या आएगी, इवन नंबर। आई बात समझ में? ओके, वेरी गुड। आपको ऐसे एग्जाम्पल करके भी देखना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान में रखो, ऑड 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 इक्वल इवन, ऑड प्लस ऑड इक्वल इवन। जैसे हम ना बोलते हैं क्या, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस इक्वल प्लस, है ना, माइनस माइनस
प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसे फार्मूले होते हैं ना, है ना। तो हमारे इसमें है ऑड प्लस ऑड इक्वल इवन, ऑड प्लस ऑड इक्वल इवन। चलो सेकंड देखते हैं, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन। इन दोनों की सम, इवन नंबर की सम क्या आती है, हमेशा इवन ही आती है। ओके, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दोनों इवन की हमेशा इवन ही आएगी, जैसे प्लस प्लस प्लस। ओके, प्लस प्लस प्लस, फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में जो इवन नंबर लेंगे हम 2 प्लस 4। चलो देखो बोथ नंबर आर इवन, 2 इवन है, 4 भी इवन है। देखो 2 दोनों की एक साथ पार्टनर, मीन दोनों के एक दूसरे के साथ पेयर बनती है, यस, तो इट इज़ अ इवन। देन 4, अगर 4 फिंगर लेते हैं, इनके एक पेयर बनती है, इनके एक पेयर बनती है, बनी, तो फिर ए भी इवन है। और इवन इवन की एडिशन क्या आनी चाहिए, इवन ही आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में वैसे कहा गया है ना। तो चलो देखो 2 प्लस 4 क्या आता है आंसर, बताओ। यस, वेरी गुड, 2 प्लस 4 इक्वल 6, 2 प्लस 4 इक्वल 6, और 6 इज अ इवन नंबर, है ना। यहाँ पे बताया देखो 6 इज अ इवन नंबर, यस 6 इज अ इवन नंबर। तो दोनों इवन नंबर की एडिशन इवन नंबर ही आता है। ये हो गया सिंगल डिजिट, ठीक है, इसकी तो एडिशन हम फट से कर लेते हैं, लेकिन इससे अगर बड़ा नंबर दिया तो, चलो देखो 46 प्लस 28, देखो कौन सा एग्जाम्पल दिया हमने, 46 प्लस 28। देखो यहाँ पे 6 इज अ वन्स प्लेस, दैट्स वाई 46 इज अ इवन नंबर। देन 28, देखो वन्स प्लेस पे कौन है, 8, एंड 8 इज अ इवन नंबर। तो दोनों नंबर इवन है, और दोनों के एडिशन अगर करते हैं तो हमें आंसर क्या आएगा, इवन नंबर ही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, इवन नंबर। आई बात समझ में, वैसे ही 3 डिजिट का भी है सेम। देखो 828 प्लस 920, देखो यहाँ पे 8 इज इन वन प्लेस, यस, देन 0 इज इन ऑल्सो वन प्लेस, और 0 एंड 8 ये अगर वन प्लेस पे होते हैं तो उसको इवन नंबर कहते हैं ना। तो फिर इन दोनों के एडिशन क्या आनी है, इवन नंबर्स। इन दोनों की सम क्या आएगी, इवन नंबर्स। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड, ओके, वेरी गुड। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या कहा है यहाँ पे, द सम ऑफ एन ऑड एंड एन इवन नंबर्स इज एन ऑड नंबर्स। अब देखो यहाँ पे पहले क्या हो गया, दोनों ऑड नंबर्स की एडिशन हो गई, फिर दोनों इवन नंबर्स की एडिशन हो गई, अब हमें ऑड और इवन नंबर की एडिशन करना है। अब हमें किसकी एडिशन करना है, ऑड एंड इवन नंबर्स की। चलो देखते हैं एग्जांपल लेके, दोनों कौन से नंबर लेना है, अब एक ऑड नंबर एंड एक इवन नंबर। चलो ऑड इवन में से एक नंबर उठा लो, कौन सा नंबर ले सकते हैं, कोई भी ले लो, 4 लिया, यस। ऑड नंबर में से कोई भी एक नंबर लो, 5 लिया, ठीक है, एक लिया हमने ऑड नंबर और एक लिया हमने इवन नंबर, लिया, यस। 4 प्लस 5, 4 इज अ इवन नंबर एंड 5 इज अ ऑड नंबर। अब हमें इसकी क्या करनी है, सम करनी है। चलो करो 4 प्लस 5, चलो करो, हम थर्ड स्टैंडर्ड में बहुत इजीली बता सकते हैं 4 प्लस 5, यस, वेरी गुड, 4 प्लस 5 इज अ 9, 4 प्लस 5 इक्वल 9, एंड 9 इज अ ऑड नंबर। 9 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर से, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। और हमारे डेफिनेशन में बोला गया है सम ऑफ एन ऑड एंड इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, इज ऑलवेज ऑड नंबर्स। समझ में आई बात। तो ऐसे ही हमें 2 डिजिट 3 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर लो, उसकी एडिशन मीन्स उस नंबर को देखते ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ठीक है। अब चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं, 28 प्लस 25, देखो 2 डिजिट नंबर लिया, 28 प्लस 25, 1 इज अ इवन नंबर, 2 इज अ ऑड नंबर, और अगर एक नंबर इवन होता है और दूसरा ऑड होता है तो उसका एडिशन हमेशा ऑड नंबर ही आता है। क्या आएगा, ऑड
नंबर, समझा। तो इसी तरह आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पेज नंबर है 22, पेज नंबर 22 में फर्स्ट 6 एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपके हैं 10 एग्जांपल और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इवन है या ऑड है, ओके। उसके बाद दिया है पेज नंबर है 23 और 23 में भी आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अच्छे से स्टडी करो और खुद की केयर करो, ठीक है। थैंक यू।